हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 18 में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत मस्त चल रही होगी। 2021 वाले तो पढ़ाई करके रख चुके होंगे, अब 2022 एंड 23 वालों को बहुत सीरियस हो जाना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है बच्चों। एक छोटी सी चीज आज मुझे पढ़ानी है आपको, जिसे हम लोग कहते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व। एग्जैक्टली कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है बच्चों, कि एक पर्टिकुलर सोल्यूशन की कंडक्टेंस हम मेजर करते हैं ड्यूरिंग टाइट्रेशन। जैसे मान लो आपके पास HCl का सोल्यूशन है, ठीक है, और इसको हम NaOH के अगेंस्ट टाइट्रेट करते जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम अलग अलग वॉल्यूम NaOH का ऐड करते जा रहे हैं, वैसे वैसे यहाँ पे स्टैंडर्ड NaOH है आपके पास, जिसकी लेट्स से कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर या 0.1 नॉर्मल है। तो हमने जब 10 ml NaOH डाला तो जो HCl बचा हुआ है उसकी कंडक्टेंस क्या होगी, 20 ml डाला तब क्या होगी, 30 ml डाला तब क्या होगी, ये अलग अलग वॉल्यूम डालने के बाद जो बचे हुए सोल्यूशन की कंडक्टेंस आती है उसको हम वॉल्यूम के अगेंस्ट, NaOH के वॉल्यूम के अगेंस्ट प्लॉट करेंगे, और जो प्लॉट निकल के आता है उसे हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो इट इज अ कर्व ऑब्टेन्ड व्हेन मोलर कंडक्टेंस ऑफ टाइट्रेट इज प्लॉटेड, मोलर कंडक्टेंस ऑफ टाइट्रेट इज प्लॉटेड अगेंस्ट वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट यूज, टाइट्रेंट का जो वॉल्यूम यूज होता है उसको और मोलर कंडक्टेंस ऑफ टाइट्रेट, इन दोनों के बीच में जो कर्व प्लॉट करते हैं उसे हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कहते हैं। मतलब कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन बेसिकली होता है टाइट्रेशन ऑफ टू सॉल्यूशंस वाया मेजरमेंट ऑफ द कंडक्टिंग पावर और कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टेंस ऑफ द गिवन टाइट्रेट। ये जो सॉल्यूशन हमने लिया है इसकी कंडक्टेंस अलग अलग टाइम पे मेजर करने के प्रोसेस को हम लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। ऑलराइट, अब इसमें अलग अलग टाइप के कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन कर्व बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन किस तरह का टाइट्रेशन आपने किया है। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे मान लो आप HCl का टाइट्रेशन करा रहे हो, HCl का टाइट्रेशन NaOH से करा रहे हो, राइट, NaCl और वाटर बनेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि पूरी प्रोसेस में Na प्लस जो आप ऐड कर रहे हो तो एज इट इज पड़ा हुआ है ना। क्लोराइड आयन जो इधर था वही इधर ही है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं आया। जो कुछ चेंज आया है बच्चों वो हुआ क्या है, जो H प्लस था पहले आपके टाइट्रेट के अंदर वो अब Na प्लस में कन्वर्ट हो गया, यानी H प्लस कन्वर्ट हो गया है वाटर में, यानी आयन खत्म हो गया, उसकी जगह पे सोडियम आयन प्रकट हो गया। HCl लिया सोल्यूशन में, NaOH डाला, NaOH का OH आयन HCl के H+ से रिएक्ट करके वाटर बना दिया, यानी इसकी कंडक्टिंग पावर लगभग खत्म हो गई। जो फाइनली सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा आयन आया वो Na+ है, क्लियर। क्लोराइड आयन पहले भी अभी भी है। कुल मिलाकर इस पूरी प्रोसेस के अंदर अ फास्ट मूविंग आयन H+ इज रिप्लेस्ड बाय a slow moving ion Na plus। अगर एक fast moving ion को एक slow moving ion से replace कर दें तो conductance घटेगी, और आप जानते हैं strong electrolyte की conductance Debye-Hückel Ansager equation से हम लोग पता करते हैं या plot draw करते हैं। तो अगर मैं इस titration के दौरान volume of NaOH और conductance को plot करूं तो किस प्रकार का कर्व आएगा, वॉल्यूम ऑफ NaOH इधर प्लॉट कर दिया और कंडक्टेंस इधर। तो जैसा कि एच आयन इज रिप्लेस्ड बाय Na प्लस तो कंडक्टेंस ड्रॉप होगी, लीनियर ड्रॉप होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, लीनियर ड्रॉप हो रहा है। फिर इक्विवेलेंस पॉइंट पे शार्पली तो हम नहीं पता कर पाएंगे, जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया तो कंडक्टेंस मिनिमम पे पहुंच गया, उसके बाद अगर आप एक्स्ट्रा NaOH डालोगे ना तो कंडक्टेंस बढ़ने लगेगी, ये एक्स्ट्रा NaOH की वजह से। जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया उसके बावजूद भी अगर NaOH डालते जाओगे तो NaOH क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से कंडक्टेंस लीनियरली बढ़ेगा। तो ड्रॉप हुआ पहले, क्यों ड्रॉप हुआ, क्योंकि H+ Na+ से रिप्लेस हो गया, H+ फास्ट मूविंग कैटायन था
फास्ट मूविंग कैटायन की वजह से जो कंडक्टेंस था, फास्ट मूविंग कैटायन की वजह से जो कंडक्टेंस था वो ज्यादा हुआ करता था, क्योंकि मूवमेंट आयन का ज्यादा था। कंडक्टेंस इधर मैंने प्लॉट किया है और इधर वॉल्यूम ऑफ एनएच, राइट। तो फास्ट मूविंग कैटायन स्लो मूविंग कैटायन से रिप्लेस हो गया, तो कंडक्टेंस ज्यादा से कम होगी, लीनियरली कम होगी, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोड। क्लियर बच्चों? इस तरह से आप किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से टाइट्रेट करेंगे तो इस प्रकार का कर्व निकल आएगा। ओके, चलिए दूसरा है हमारा टाइट्रेशन ऑफ अ वीक एसिड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मैं वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस के अगेंस्ट टाइट्रेट करूं, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया एसिटिक एसिड और इसको NaOH से टाइट्रेट किया, तो यहां से हमें मिलेगा सोडियम एसिटेट प्लस H2O। अब आप यहां पे देखो, शुरुआत में लगभग अनआयनाइज्ड पार्ट है, क्योंकि हमारे पास वीक एसिड है, वीक एसिड लगभग अनआयनाइज्ड रहता है, बहुत कम आयनाइज्ड होता है। अब जब आप NaOH डालोगे तो ये जो एसिडिक एसिड अनआयनाइज्ड था, ऑलमोस्ट अनआयनाइज्ड था, ये आयनाइज्ड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस माइनस। कैन यू चेक कि जो चेंज हो रहा है यहाँ पे, वो इस प्रकार का हो रहा है कि एक कंबाइंड फॉर्म में जो एसिटेट आयन था वो फ्री फॉर्म में आ गया, कंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन इसका जो कर्व है वो बिल्कुल वैसा नहीं आएगा जैसा पहले HCl के केस में आएगा। ऐसे समझिए आप कि एसिटिक एसिड जो हमने लिया था, अगेन यहाँ पे कंडक्टेंस प्लॉट कर दिया और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH। पहले हमने जो एसिटिक एसिड लिया है ये कुछ तो आयनाइज होगा, मान लीजिए 1% आयनाइज, तो जो 1% पोर्शन है एसिटिक एसिड का, ये HCl की तरह काम करेगा, यानी 1% जितना लिया उसका 1% तो H+ के फॉर्म में है। तो जैसे ही आप NaOH डालोगे, ये 1% की वजह से कंडक्टिविटी हल्का सा ड्रॉप होगी, राइट, हल्का सा ड्रॉप कर दिया मैंने, मान लीजिए इतना ड्रॉप हो गया, राइट। तो H+ जो फ्री फॉर्म में था वो खत्म हो गया, उसके बाद जो अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड थी वो आयनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुई। ये वो टाइम है जहां पे एसिटिक एसिड इज एक्चुअली गेटिंग कन्वर्टेड इनटू एसिटेट आयन, तो अनआयनाइज्ड पोर्शन से आयनाइज्ड पोर्शन। अब जब एसिटिक एसिड लगभग खत्म हो जाएगी, उस समय इक्वेलेंस पॉइंट खत्म होने के टाइम पे आ जाएगा, और उसके बाद जब आप एक्स्ट्रा NaOH डालोगे तो अगेन बढ़ने शुरू हो जाएगा, तो ये एक्स्ट्रा NaOH की, राइट। तो ये जो पॉइंट है ये आपका इक्वेलेंस पॉइंट है, ये इक्वेलेंस पॉइंट, ऐसे पिछले वाले केस में ये आपका इक्वेलेंस पॉइंट था, इक्वेलेंस पॉइंट, राइट। तो यहां से देख सकते हैं शुरू में हल्का सा घटा, ये हल्का सा क्यों घटा, क्योंकि थोड़ा सा पोर्शन आयनाइज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, उसके बाद जो अनआयनाइज्ड पोर्शन था एसिटिक एसिड का वो लीनियरली बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर जब एसिटिक एसिड कंप्लीटली खत्म हो गया यहाँ पे, तब एक्स्ट्रा NaOH डालने पर लीनियरली अगेन तेजी से इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट है, इनका अलग अलग, ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के टाइट्रेशन में इस प्रकार का कर्व ऑब्टेन होगा। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह से आप एक्चुअली ग्राफ ड्रॉ करोगे, है ना, क्योंकि हमारे पास जो डिबाई-ह्यूकल अंसागर इक्वेशन है वो बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के वेरिएशन को ही इंडिकेट करता है। तो यहाँ मैंने लीनियर बनाया है बिकॉज ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एसिटेट आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और एसिटेट आयन की मात्रा बढ़ती जा रही है तो लीनियरली बढ़ेगा। क्लियर बच्चों? Then the third one, titration of mixture of strong acid and weak acid versus strong base. मान लो हमारे पास acetic acid है और HCl है, दोनों, right? तो acetic acid भी neutralize होगा acetate ion में, and HCl भी neutralize होगा, NaCl बनाएगा and H2. क्या ये मानना safe होगा कि NaOH पहले HCl को completely neutralize कर देगा, उसके बाद जब HCl खत्म हो जाएगा उसके बाद एसिटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन शुरू होगा? यस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड इसका हक बनता है कि पहले NaOH इसको, जब एक समाप्त हो जाए उसके बाद एसिटिक एसिड का न्यूट्रलाइजेशन। तो अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो किस प्रकार का ग्राफ आएगा, देखिए बच्चों, शुरू में तो HCl का वाला ग्राफ आएगा, अगेन यहाँ पे आपका कंडक्टेंस हो गया और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ NaOH है, तो शुरू में HCl वाला कर्व आएगा, तो HCl वाला कर्व लगभग मैं ऐसे बना दिया, यहाँ पे HCl वाला इक्विवेलेंस पॉइंट आ गया,
उसके बाद जो एसिटिक एसिड वाला कर्व है ना, जो अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड आयनाइज्ड फॉर्म में यानी एसिटेट आयन में कन्वर्ट हो रही है, उसमें कन्वर्ट हो रहा है, समथिंग लाइक राइट, इस तरह से कन्वर्ट होगा। उसके बाद जब एसिटिक एसिड भी खत्म हो जाएगा, एक्स्ट्रा एनएवएच डालोगे तो एनएवएच का अगेन अलग स्लोप के थ्रू वेरिएशन होगा। ये आपका इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ एचसीएल हो गया, ये इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड हो गया, और ये प्री एनएवएच की वजह से, प्री एनएवएच राइट। यहाँ दो इक्विवेलेंस पॉइंट बने, एक यहाँ पे मिला, क्लियर। ये वो रीजन है जहां पे एसिटिक एसिड एक्चुअली कन्वर्ट हो रहा है एसिटेट आयन में, क्लियर। दिस इज हाउ द ग्राफ विल गो, इस तरह से ग्राफ बनेगा। पहले HCl की वजह से ये HCl plus NaOH वाली रिएक्शन है, जहां पे H plus actually चेंज हो रहा है, H plus चेंज हो रहा है actually Na plus में, राइट, फास्ट मूविंग से स्लो मूविंग, और उसके बाद अनआयनाइज्ड एसिटिक एसिड को आयनाइज्ड एसिटेट आयन में, ठीक है, और उसके बाद फ्री NaOH, इस प्रकार का। पहले ड्रॉप हुआ, फिर बढ़ा, फिर और तेजी से बढ़ा, क्लियर है बच्चों। ये अगर हम दो एसिड जिसमें एक वीक है एक स्ट्रांग, उसका टाइट्रेशन करें, तो शुरुआत में HCl का रिएक्शन होगा, जब ये खत्म हो जाएगा तो एसिडिक, तो दो अलग अलग ग्राफ को बना के कम। ऑल राइट बच्चा लोग, नेक्स्ट वन, टाइट्रेशन ऑफ KCl वर्सेस सिल्वर नाइट्रेट। ये जेई में ऑलरेडी पूछा जा चुका है और बहुत ही खूबसूरत केस होता है यहाँ पे। लाइक KCl का रिएक्शन जब हम सिल्वर नाइट्रेट से कराएंगे तो इसमें बेसिकली प्रेसिपिटेट बनता है, AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा प्लस KNO3। अब हमारे पास ये है टाइट्रेट, ये है टाइट्रेट, यानी कि ये हमने कोनिकल फ्लास्क में लिया हुआ है, और ये टाइट्रेंट है, यानी इसको हमने ब्यूरेट में लिया है, टाइट्रेंट ब्यूरेट में। तो KCl मेरे पास शुरुआत में मौजूद है, तो जब आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो सिल्वर आयन क्या करेगा, क्लोराइड आयन को प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट कर देगा, यानी क्लोराइड आयन सॉल्यूशन से बाहर हो गया, और उसके बदले में नाइट्रेट आना है। क्लोराइड आयन गया, यानी जब तक इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं आया या एंड पॉइंट नहीं आया, तब तक इस पूरी प्रोसेस में क्लोराइड आयन गया एंड ये नाइट्रेट आयन प्रोड्यूस हो गया। अब इधर मैं कंडक्टेंस प्लॉट करूंगा या मोलर कंडक्टेंस, और इधर वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एडेड। अब एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, क्लोराइड आयन की जो आयनिक मोबिलिटी होती है वो नाइट्रेट आयन के लगभग बराबर होती है। तो क्लोराइड आयन के जाने से और नाइट्रेट आयन के आने से अप्रोक्सीमेटली देयर इज नो चेंज इन कंडक्टेंस, बिकॉज़ बोथ ऑफ देम हैव ऑलमोस्ट सेम मोबिलिटी। तो शुरुआत में लगभग स्ट्रेट जाएगा कर, और उसके बाद जब इक्विवेलेंस पॉइंट आने वाला होगा, यानी कि जब क्लोराइड आयन लगभग खत्म सा होने वाला होगा, यार स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट तो बनता, हाँ ये लगभग मैंने ऐसे बना लिया है, जब Ag प्लस लगभग पूरा खत्म हो के, जब क्लोराइड आयन लगभग पूरा खत्म हो गया, उसके बावजूद भी आप सिल्वर नाइट्रेट डालोगे ना, तो उस सिल्वर नाइट्रेट की वजह से कंडक्टेंस इंक्रीज हो, ये आप मान लो एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन या इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ टाइट्रेशन है, और ये फ्री सिल्वर नाइट्रेट की वजह से कंडक्टेंस अगेन लीनियरली बढ़ने, ठीक है। जब क्लोराइड आयन Ag प्लस से कंबाइन होकर AgCl बना रहा था, K प्लस पे तो कोई फर्क पड़ा नहीं, वो पहले भी था अभी भी है, जो चेंज हो रहा था वो क्लोराइड आयन इज स्वैप्ड बाय, क्लोराइड आयन इज एक्सचेंज्ड बाय नाइट्रेट आयन, और नाइट्रेट क्लोराइड का लगभग बराबर सा मोलर कंडक्टेंस होता है, लगभग बराबर सी आयनिक मोबिलिटी होती है, इसलिए शुरुआत में कोई चेंज नहीं हुआ। जिस समय KCl खत्म हो गया, एक्स्ट्रा NaOH आपने डालना शुरू किया, उस समय कंडक्टेंस अगेन बढ़नी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन थे, इससे मैंने आपको एक टेक्निक सिखाई है, एक तरीका सिखाया है कि किस तरह से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, हम मोलर कंडक्टिविटी का या मोलर कंडक्टेंस का वेरिएशन और उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। ये क्वेश्चन बेसिकली ये वाला टाइट्रेशन ऑलरेडी जेई में आ चुका है, तो ये टॉपिक एक्चुअली जेई की नजर इस पे रहती है, तो आप लोग को इसको अच्छी तरीके से कर लेना। ऑल राइट बच्चों, इसी के साथ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन समाप्त होता है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है।
इससे पहले कि मैं लेक्चर को कंक्लूड करूं, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अन अकेडमी के बिहाफ पे, क्योंकि आज महीने का लास्ट दिन है 30th of September एंड कल से यानी 1st of October से प्राइस राइज होने वाली है, यानी जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है वो कल से बढ़ जाएगा अन अकेडमी का। जिन बच्चों ने प्लान किया है IIT JEE 2022 2023 और आगे भी, और सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, IIT की एक प्रोफेशनल तरीके से स्ट्रक्चर्ड तैयारी शुरू करना चाहते हैं, वो सब इसको फटाफट आज ही सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें। उसके लिए मेरा कोड अगर यूज करेंगे SDSIRJEE और SDSIRLIVE तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, ये कोड यूज करके फटाफट आज ही सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए। यदि आपका टारगेट IIT JEE 2022-23 है और आप एक तरीके की प्रिपरेशन चाहते हो, स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन चाहते हो, आप फटाफट सब्सक्रिप्शन ले लो। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है अन अकेडमी का, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर संडे होता है 11 बजे, अन अकेडमी कॉम्बैट के नाम से है, और इस टेस्ट को देने के लिए फ्री इनरोलमेंट है। आप मेरा कोड यूज करके फ्री इनरोलमेंट कर सकते हैं SDSIRLIVE वंस अगेन, और ये 11 बजे हर संडे को होता है। आप इनरोल करके अपनी रैंक जान सकते हैं। रैंक जानने के अलावा रैंक वाइज आपको बहुत सारे प्राइजेस एंड स्कॉलरशिप फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ IIT JEE और वट एवर कोर्स यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर, जिस भी कोर्स के लिए आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, अप टू 100% स्कॉलरशिप इसके बेसिस पे मिलने वाला है। तो फटाफट आप मेरा कोड यूज करके इनरोलमेंट कर लीजिए और इस टेस्ट को एंजॉय कीजिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय।